आज के वीडियो में आपको सोनम कपूर की डिलीवरी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनम कपूर ने कुछ समय पहले अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में उन्होंने अपने फैंस को अपने साथ रखा। अब रिपोर्टेडली 17th ऑफ जुलाई को सोनम कपूर का बेबी शावर होने जा रहा है और ये एक बहुत ही ग्रैंड बेबी शावर होने वाला है जिसमें बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज आएंगे और इस बेबी शावर के लिए सोनम कपूर के घर से कुछ इनवाइट्स भी जाते हुए देखे गए हैं जिनमें फ्लावर बुकेस, चॉकलेट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं विद नेम टैग्स। सोनम कपूर और उनकी फैमिली इस बिग बैश बेबी शावर के लिए प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुकी है। अब बात करते हैं सोनम कपूर की डिलीवरी डिटेल्स के बारे में। सोनम कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी डिलीवरी डिटेल्स के बारे में काफी खुलकर बात की है। सोनम कपूर का कहना है कि वो नेक्स्ट मंथ ड्यू हैं और नेक्स्ट मंथ उनका बेबी इस दुनिया में आने वाला है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉमी बनने जा रही हैं तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं और उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो डायबिटिक हैं और सिर्फ अपनी डॉक्टर की ही सुनती हैं, क्योंकि किसी और की सुनना उनकी और उनकी बेबी की हेल्थ के लिए गलत हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनती हैं और डॉक्टर के सुनने पर ही वो हर तरह की एक्सरसाइज और योगा पोजेस भी करती रहती हैं। उनका कहना है कि चाहती वो यही हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, पर अगर सी सेक्शन भी हो गया तो वो किसी बात के लिए परेशान नहीं होंगी, क्योंकि जो भी होगा और जो भी डॉक्टर्स चूज करेंगे वो उनकी बेबी और उनकी सेफ्टी के लिए होगा और उन्हें डॉक्टर्स पर पूरा यकीन है। उनका यही कहना था कि इस समय में एक महिला को सिर्फ अपने डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो सही बात बता सकते हैं। इसके अलावा किसी और के पुराने मिथ्स और पुरानी स्टोरी सुनकर उस पर अमल नहीं करना चाहिए। सोनम कपूर कुछ समय पहले अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के साथ अपने बेबी मून पर भी गई हुई थी, जहां पर वो अपना बेबी मून एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही थी और वो अपने कुछ स्निपेट्स भी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती थी। अब सोनम कपूर के फैंस को उनके बिग बैश बेबी शावर के बाद उनके बेबी के आने का बहुत ज्यादा वेट रहेगा। आप सोनम कपूर की डिलीवरी डिटेल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।